तो चलिए दोस्तों, आज हमारे पास आ चुका है नॉइस फॉरपर्ड्स, जो आपको सिर्फ 1000 रुपए में मिल जाएगा। एंड इसके फीचर से ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे, और अगर आप 1000 रुपए के अंदर एक बेस्ट TWS देख रहे हो तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको बता दूंगा क्या चीजें आपको इसमें अच्छी देखने को मिलती है और क्या चीजें खराब है। तो चलिए यहाँ पे जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, बॉक्स आपको कुछ ऐसा मिलेगा। जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हो, स्क्वायर आपको बॉक्स मिलता है, उसके अंदर काफी सारा पेपर वर्क है, जहाँ पे आपको वारंटी कार्ड मिलता है, यूजर मैनुअल है और कुछ स्टिकर्स भी दिए गए। फिर बॉक्स में आता है केस, देन उसके बाद आपको मिलेगा एक टाइप सी कप चार्जिंग केबल, लास्ट में एक्स्ट्रा ईयर पीस भी आपको इसमें दिए गए, जो आप साइज के हिसाब से लगा सकते हैं। अब पढ़ते हैं केस की तरफ, बिल्ड क्वालिटी डिजाइन की बात करते हैं। देखिए, जो केस का डिजाइन है ये अच्छा है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, और इसमें आपको चार कलर मिलते हैं। चारों कलर भी इम्प्रेसिव है, जो आपके हिसाब से अच्छा लगता हो वो आप परचेस डेफिनेटली कर सकते हैं। कलर्स काफी अच्छे हैं, और आपको पॉलीकार्बोनेट का ये केस दिया गया है, जहाँ पे अगर आप केस पे देखते हो नॉइस की ब्रांडिंग भी मेंशन है, नीचे आपको इंडिकेटर लाइट भी देखने को मिल जाती है। जी हाँ, प्लास्टिक का है ऑफकोर्स, बट बिल्ड क्वालिटी अच्छी, कलर भी आपको अच्छा दिया गया है। उसी के साथ में ईयरबड्स की बात करते हैं। ईयरबड्स का डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, आपको जो कलर आप लेते हो उसका आपको आप डिज़ाइन देखने को मिलता है। जी हाँ, नॉइस की ब्रांडिंग भी मेंशन है, और साथ ही में एक ईयरबड में आपको दो माइक मिलते हैं, टोटल ये क्वाड माइक के साथ में आता है, और टच एरिया भी ईयरबड में आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे इंडिकेटर लाइन भी है। जी, अगर आप ईयरबड को रोटेट करते हो, राइट और लेफ्ट भी मेंशन मिलेगा आपको दोनों ही ईयरबड पे। सिलिकॉन के हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, एंड डिज़ाइन ये भी अच्छा है, दिखने में ईयरबड्स बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। अब फीचर्स की बात करते हैं नॉइस पॉपबड्स के। इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है, और 10 mm के ड्राइवर्स इसमें दिए गए, 50 आवर्स का आपको प्ले टाइम मिलता है, 10 मिनट्स के चार्ज पे 150 मिनट्स का आपको प्लेबैक मिलेगा दोनों ही ईयरबड्स में, और फास्ट चार्जिंग भी दी गई है। जैसे कि मैंने आपको बोला है, क्वाड माइक के साथ में आता है विथ ENC, मतलब एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन के साथ में, हाइपर सिंक भी है, और IPX5 वाटर रेसिस्टेंस भी है। ये सारे फीचर्स है जो आपको इसमें देखने को मिलते हैं, और ये भी मैं आपको बोलता हूँ ये काफ़ी कंफर्टेबल है। जहाँ मैंने इसे यूज़ किया है, अगर आप वॉकिंग करते हो या फिर वर्कआउट, तो ये नहीं निकलेंगे, काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसके फंक्शंस भी मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, देखिए, अगर आप सिंगल टैप करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, अगर राइट वाले से अगर आप सिंगल टैप करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है, अगर लेफ्ट वाले ईयरबड पे आप सिंगल टैप करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, मतलब कम होगी। अगर आप डबल बार टैप करोगे तो पॉज एंड प्ले होगा म्यूजिक। जी हाँ, और ट्रिपल बार टैप करने से फॉरवर्ड होता है सॉन्ग, और साथ ही में अगर आप लेफ्ट वाले ईयरबड में ट्रिपल टैप करते हो तो सॉन्ग रिवर्स होता है। और अच्छी बात ये भी है कि इसमें आपको दो मोड्स मिलते हैं, अगर आप प्रेस करके होल्ड करोगे ईयरबड पे तो गेमिंग मोड आ जाएगा, और अगर आप प्रेस करके होल्ड करते हो देन उसके बाद में म्यूजिक मोड आता है। देखिए, ये सब चीज़ें तो हो गई, बट अब इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, वो है साउंड। साउंड आपको इसमें कैसा देखने को मिलेगा, मेरा एक्सपीरियंस भी मैं आपको बता दूंगा, और साथ ही मैं यहाँ पे आपको एक लाइव म्यूजिक भी सुना देता हूँ। म्यूजिक तो आपने सुन लिया, जो साउंड क्वालिटी है नॉइस पॉप बर्ड्स की, ये आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। बेस भी अच्छा है, और साउंड भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और मैंने आपको बोला है इसमें आपको दो मोड्स मिलते हैं, एक है म्यूजिक मोड और एक है गेमिंग मोड। अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो आप म्यूजिक मोड पे सेट करके म्यूजिक सुन सकते हैं। म्यूजिक का मतलब आपको जो साउंड है आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ ये भी है, अगर आप हाई वॉल्यूम पे कोई भी अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो जो आवाज़ है वो ईयरबड्स के बाहर भी आपको थोड़ी सी सुनाई देगी। प्राइस के हिसाब से साउंड क्वालिटी और आपको जो म्यूजिक है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस ईयरबड्स में। उसी के साथ में जो इसका माइक है ये भी मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। अब ये जो आवाज आप सुन रहे हो इस नॉइस पॉप बर्ड्स के माइक से, मैंने आपको बोला है चार माइक आपको देखने को मिलते हैं, एक ईयरबड में दो माइक और दूसरे वाले ईयरबड में दो माइक है। जी हाँ, और जो माइक क्वालिटी है ये अच्छी है। अब तो मैं एक नॉर्मल से रूम में, बट अगर आप ट्रैफिक एरिया में भी रहते हो तो जो आवाज है वो रिसीवर को अच्छे से पहुंच जाएगी, एंड आप यहाँ पे सुन भी सकते हैं कि कैसे आपको इसमें मतलब माइक की क्वालिटी दी गई है इस प्राइस रेंज में। मैंने कॉल्स भी किए हैं, मैंने बात भी की है, तो जो रिसीवर को आवाज है ये अच्छे से पहुंच जाती है। अगर आप नॉर्मल भी बात करते हो, अगर आप लाउडली भी बात करोगे तो अच्छे से आपको मतलब रिसीवर को आवाज पहुंच जाएगी। तो कुछ इस तरह की आपको माइक क्वालिटी देखने को मिलती है नॉइस पॉप
पॉपबर्ड्स में। जी हाँ, ओवरऑल म्यूजिक भी अच्छा है और जो माइक क्वालिटी भी अच्छी है, इतना ही बोल सकता हूँ कि प्राइस के हिसाब से आपको ये अच्छा देखने को मिलता है। जी हाँ, अब बढ़ते हैं गेमिंग के पार्ट की तरफ। जी हाँ, अगर आप गेमिंग के लिए ये TWS कैसा रहेगा 1000 रुपये के अंदर। देखिए, मैंने गेमिंग भी की है, मैंने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया मतलब BGM में मैंने गेम प्ले किया है। देखिए, जो राइट और लेफ्ट का साउंड है ये प्रॉपर आता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि एनिमी लेफ्ट से आ रहा है या फिर राइट से, ये चीज़ अच्छी है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। 10mm के आपको इसमें ड्राइवर्स दिए गए हैं, मतलब इस वाले ईयरबड्स में, मतलब TWS में 10mm के ड्राइवर्स है। से मैंने आपको बोला है राइट और लेफ्ट की आवाज़ आपको अच्छे से आ जाती है, बट यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा साउंड डिले आपको देखने को मिलता है फायरिंग में। जी हाँ, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिलेगा, मैं टैप करने पे थोड़ा सा यहाँ पे डिले होता है मतलब साउंड आने में TWS में, ये चीज़ मैंने देखी है। सो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, बट ओके है। मैं बोलूँगा कि गेमिंग भी आपके अच्छे से हो जाएगी, कुछ ज़्यादा मेजर इशू नहीं आता है। इंपॉर्टेंट ये रहता है कि राइट और लेफ्ट का साउंड प्रॉपर से आ जाए, ये भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बैटरी की तरफ बढ़ते हैं, बैटरी में आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है, जहाँ पे 10 मिनट्स के चार्ज पे 150 मिनट्स का आपको प्लेबैक मिलेगा दोनों ही ईयरबड्स में। अच्छा, 50 आवर्स का आपको प्ले टाइम मिलता है इस नॉइस पॉपबर्ड्स में, तो चार्जिंग भी क्वाइट अच्छी है। जी हाँ, प्राइस के हिसाब से हम देखते हो, सो ओवरऑल 1000 रुपये में ये वाले मुझे नॉइस पॉपबर्ड्स बहुत ही अच्छे लगे, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में आते हैं TWS, जो आप इसे ले सकते हैं। कलर्स भी अच्छे, जो आपको अच्छा लगता हो वो ले सकते हैं, फीचर्स भी मुझे अच्छे लगे प्राइस पॉइंट के हिसाब से। जी हाँ, और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है लाइक कीजिए, और कुछ इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।